स्टार्ट हो? नमस्कार, मैं हूँ रुमाना इसाद खान। आप जानते हैं मुझे, मैं पत्रकार हूँ, हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं बात करने आपसे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज एक ज़बरदस्ती का विवाद खड़ा हुआ है, और वो भी इस मौके पर कि कल से रमज़ान हिंदुस्तान में शुरू हो रहे हैं, है ना। कल से हम सब रोज़ा रखेंगे, और उससे पहले आज क्या हुआ है, आज एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर आया जिसमें दो पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं और वो किसी से बात कर रहे हैं, और उनसे एक महिला बात कर रही है लगातार। उस महिला का चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन उसकी आवाज़ समझ में आ रही है, और उस वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, मतलब पुलिस वाले कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई अजान नहीं होगी, LG का ऑर्डर है, अजान नहीं होनी है। तो वो महिला उनसे कह रही है कि भाई क्यों अजान क्यों नहीं होनी है, हमें कैसे पता चलेगा फिर कि नमाज का टाइम हो गया है। वो ये कह रही है, और वो कह रही है कि ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर दिखाओ आप, ऐसा कौन सा ऑर्डर है भाई, सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि 5 लोग रह सकते हैं मस्जिद के अंदर, ठीक है, तो अजान क्यों नहीं होगी। अब ये जो पूरा वीडियो है ये सोशल मीडिया पर खूब चल रहा था, ठीक है, मेरी नज़र इस वीडियो पर पड़ी, मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो के ज़रिए कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगा, और इसीलिए मैंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में जितने धार्मिक स्थल हैं वो सब बंद हैं, हम सब इस बात को जानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सारे धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद हैं, और अगर कहीं कोई खोल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है। एक तो ये क्लैरिटी हमको होनी चाहिए। अब ऐसे में अगर मस्जिद के अंदर अजान हो रही है तो मेरी नज़र में वो गलत है। देखिए, पुलिस वाले उस वीडियो में हैं, ठीक है, पुलिस वाले जो गली में मौजूद हैं वो कब आएंगे अजान सुनकर, अगर अजान लाउड स्पीकर पर हो रही है। तो इस वजह से पहली बात तो आपको ये समझनी है कि लाउड स्पीकर पर अगर अजान हो रही है, मतलब जिसकी वजह से पुलिस का ध्यान गया और पुलिस आई, तो भाई क्या जरूरत है लाउड स्पीकर पर अजान देने की? क्या बिना लाउड स्पीकर के अजान नहीं दी जा सकती है? 5 ही लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़नी है ना, नमाज का क्या वक्त होता है, सहरी का क्या वक्त होता है, इफ्तार का क्या वक्त होता है, क्या हम सबको नहीं मालूम है? हम सबके पास मोबाइल्स हैं या नहीं है, आप मुझे बताइए, ठीक है। इसमें आपके पास पूरी एक तरीके से जंत्री आ जाती है जिसमें आपको पता होता है कि कितने बजे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, कितने बजे अफ्तार का वक्त है, ये सब जानते हैं ना हम लोग। जब ये लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं तो फिर बेकार के विवाद क्यों बढ़ाने कि आप नहीं नहीं साहब नमाज, भाई नमाज पढ़ो आप, किसने आपको इबादत करने से मना किया है? कोई नहीं आपको रोक रहा है आप कि इबादत आप ना करें, आप ज़रूर इबादत करें, इतना मुकद्दस महीना है, रमज़ान का महीना है। मुझे पूरा ये लगा कि साहब आप रमज़ान के महीने की शुरुआत में भी आपने एक विवाद ढूंढ लिया, आपने ज़बरदस्ती का एक एंगल ढूंढ लिया उसमें, बिल्कुल बेवजह बेबुनियाद ये पूरा विवाद मेरी नज़र में है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे ना तो ज़रा आप देखिए किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं उन्होंने तो जैसे लपक लिया इस मुद्दे को, वो आ गए खुलकर, कोई कह रहा है क्यों नहीं होगी अजान, कोई कह रहा है क्यों होगी अजान। अरे सिंपल सी बात है, सबके लिए नियम बराबर है, मुसलमान वही हक रखता है इस देश के अंदर जो हक एक हिंदू का है, जो हक एक क्रिश्चियन का है, जो हक एक सिख का है, है ना। हम अलग अलग धर्मों के हैं लेकिन ये देश जो है वो किसी एक धर्म से नहीं चलता है भाई, ये देश संविधान से चलता है, और इस संविधान ने हम सबको बराबर के हक दिए। इस वजह से हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से हमारे हक बराबर हैं हमारी जिम्मेदारियां भी बराबर हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी साझा की हैं। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आपको इस वक्त ये वीडियो चैट किया है कि साहब ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो मेरी नज़र में बेवजह का मुद्दा है। सब धार्मिक स्थल बंद हैं, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही, हम सब जानते हैं कि मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है, फिर लाउड स्पीकर पर अजान देने का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, लाउड स्पीकर पर अजान देकर हम क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ लोगों को हम मौका देंगे अपने आप को टारगेट करने के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को शिकायतें किस बात पर होती हैं आप बताइए मुझे, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है? ये मुसलमान कहते हैं कि साहब हमें तो हर बात पर टारगेट किया जा रहा है, हर बात पर हम में कीड़े निकाले जा रहे हैं। मुसलमान ये कह रहे हैं ना, मुसलमान कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है इस देश के अंदर सारा कोरोना हमने ही फैला दिया है, ये मुसलमानों की शिकायतें होती है ना। तो भाई मौका क्यों देते हो? मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मौका क्यों देते हैं? लाउड स्पीकर पर अजान देने की क्या जरूरत है? नमाज पढ़ने जाना नहीं है मस्जिद में, सारे धार्मिक स्थल बंद हैं, मस्जिदों में भी आप नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, आप अजान देना है लाउड स्पीकर पर नहीं देना है, ये मुद्दा ही नहीं है यार। मुद्दा इस कोरोना काल, इस संकट काल, इस महामारी काल में ये है कि आप अपनी हिफाजत करें, आप अपने घर वालों की हिफाजत करें, आप खुद अपने आप को इस बीमारी से बचा कर रखें।
दूसरी बात ये है कि भाई आप रोजी रोटी का इंतजाम रहे सबके लिए, इस बात की हम सबको फिक्र करनी चाहिए। जरा सोचिए, हम एक कम्युनिटी के तौर पर अपनी पूरी जो एनर्जी है, मतलब एक पूरा समुदाय जो है वो अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहा है कि सब लाउडस्पीकर पर अजान होगी या नहीं होगी। जरा सोचिए आप, क्या हमारे समुदाय को, कम्युनिटी को इस तरीके की बहसों में उलझना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ बेवजह के मुद्दे हैं। लाउडस्पीकर पर अजान होना नहीं होना ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। जो लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं वो आपको असली मुद्दों से भटका रहे हैं। प्लीज ऐसे लोगों से बचिए, इस तरीके की बहसों से बचिए आप। और जब सब धार्मिक स्थल बंद है, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में, मुकद्दस मक्का मदीना सब जगह कहीं पर जमात से नमाज नहीं हो रही है। लाउडस्पीकर से अजान फिर हिंदुस्तान में क्यों दी जाए? लाउडस्पीकर से अजान दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, हम इसे काय को मुद्दा बनाए? भाई रमजान का महीना है, इबादत कीजिए, आराम से सुकून से अपने घर में बैठकर इबादत कीजिए।